الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں سال کا سب سے بابرکت مطہر مقدس مہینہ نصیب ہوا ہمیں اس کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے تین دنوں کے بعد اس کا تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور ایستا ایستا یہ مہینہ آخر پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا اس مہینے کی آج کی تاریخ یعنی 17 رمضان مبارک بڑی اہمیت کی حامل ہے یہی وہ دن ہے جس دن مارکہ بدر رونما ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی اور جو کافر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے سے مکہ سے نکلے تھے وہ خود گلی امیٹ ہو گئے اور ان کے 70
सरदार जहन्नम वासिल हुए और अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए नाजिल फरमा कर मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह और कामयाबी अता कर दी। इसी दिन को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान करार दिया है, यौमुल फुरकान। इस अंतम बिल उद्वत दुनिया और बिल उद्वत मुस्वा, और इससे पहले फरमाया यौमुल फुरकान यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला दिन, ये आज ही का दिन है 17 रमजान मुबारक। और इसी दिन मक्का फतह हुआ, ये भी एक इस दिन की एक मखसूस फजीलत है जो इसी दिन को हासिल है। और इसी दिन सैयदा सदीका कायनात ताहिरा मुतहरा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफात हुई। तो ये इतनी सारी चीजें एक ही दिन में जमा हो गई। और ये अजीब इत्तेफाक है कि इसी दिन पंजाब के मशहूर खतीब और कारी, जिनको खतीब एशिया का लक़ब मिला, इसी दिन उनकी वफात हुई। आज रात उनकी वफात हुई और आज उनकी नमाज जनाज़ा और तस्लीम है। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। बहरहाल रमजान मुबारक के सारे दिन बड़ी बरकतें अपने अंदर रखते हैं, उनमें बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन खास कर ये दिन जो इस्लाम के लिए बड़ा बाबरकत दिन करार पाया कि इसी दिन इस्लाम को फतह हुई, मुसलमानों को फतह हुई, मक्का फतह हुआ। अल्लाह ताला ने अहले ईमान की इसी दिन की जो रात है 17वीं रमजान, जो मुसलमानों ने जो दुआएं की, इस दिन की फतह कि अल्लाह ताला से जो दुआएं की मुसलमानों ने इसी रात 17 रमजान मुबारक की रात, अल्लाह ताला ने अहले ईमान की दुआएं कबूल फरमाई और उस कबूलियत के तस्करा भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इस तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम। ए मुसलमानों, ए अहले ईमान, ए मोमिनो, उस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे। तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम, उसने तुम्हारी दुआएं कबूल की। रमजान की हर रात और इस महीने का हर दिन बड़ा बाबरकत है। रमजान की हर रात के हवाले से इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाने तिर्मिज़ी की हदीस है, वलिल्लाहि मुतअअ्ऊ वज़ालिका कुल्लु लैलतिन। रमजान की हर रात अल्लाह ताला कुछ खुश नसीब मोमिनों की गर्दने जहन्नम से आज़ाद करता है और उनके बारे में अल्लाह ताला ये फैसला फरमाते हैं कि ये लोग जहन्नम से आज़ाद है। तो ये बरकते समेटने के दिन और रातें बहुत ही कम रह गई हैं। कल हम ये कहते थे रमजान आने वाला है और आज पता ही नहीं चला रमजान का तीसरा जुमा आ चुका है, दूसरा अशरा खत्म होने को है। अल्लाह करने ऐसे तो नहीं फरमाया अय्याम मादूदात, ये चंद गिनती का दिन है और ये
पता ही नहीं चलेगा ये दिन गुजर जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम इन दिनों इन बरकतों को रहमतों को मजीद समेटने की कोशिश करें, खासकर दुआएं करके, अल्लाह ताला का जिक्र करके, कुरान पाक की तिलावत करके, सदकात और खैरात का अहतमाम करके। रोजे का अल्हम्दुलिल्लाह रखते ही हैं, रोजे की हालत में अपनी जबान की हिफाजत करके और रातों के क़ियाम करके अपनी जबान पर कंट्रोल करके गीबतों से, चुगलखोरियों से, दूसरों की बुराइयां करने से अपने आप को बचाते हुए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआएं करते हुए, उससे रहमत मांगते हुए, उससे जन्नत का सवाल करते हुए ये अय्याम हम गुजारे, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ये दिन पता नहीं फिर नसीब हो या ना हो, अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगे, हिम्मत भी मांगे कि अल्लाह हमें तौफीक दे, मजीद हम इस महीने की बरकत समेटने की हम कोशिश करें। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीन दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती, कबूल होती हैं। सलासु दावातिन ला तुरद्दु, और एक हदीस के अल्फाज है सलासु दावातिन मुस्तजाबात, तीन दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती, कबूल होती है। नंबर एक दावत साइनी, रोजेदार की दुआ। रोजेदार जब रोजा रखता है, रोजे के दौरान इस 14-15 घंटे के दौरान जो रोजे का जो दौरानिया है, इस दौरान जो भी दुआ करता है लाल उड़क तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती बल्कि कबूल होती। और नंबर दो दावतुल वालिदी, बाप की वालिद की दुआ, जो अपने बेटे के हक में वो दुआ करता है, उस बाप की दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं कर पाता। और नंबर तीन दावतुल मुसाफिरी, मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं कर पाता। तो ये तीन जो दुआएं हैं, रोजेदार की दुआ, वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक में, और मुसाफिर की दुआ, ये अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता बल्कि कबूल फरमाता है। तो ये दुआओं की कबूलियत की ये घड़ियां या अय्याम ये चल रहे हैं, इन दिनों में कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपने रब को मनाने की, उसके सामने आजी करने की, गिड़गिड़ाने की, उससे रो रो कर दुआएं करने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह ये दुआएं जो हम अपने हक में करेंगे, अपनी औलाद के हक में करेंगे, अपने मुसलमान भाइयों के हक में करेंगे, ये दुआएं हमारी रद्द नहीं होगी, कबूल होगी। अल्लाह ताला ने जहां इस माह मुबारक के अहकाम जिक्र फरमाए, उन्हीं अहकाम के दरमियान में अल्लाह ताला ने यह बात बयान फरमाई, वीरा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीम, क्या मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो उनको कह दीजिए मैं करीब हूं, उजीब दावतदारी ज्यादा हां, जब भी कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा। शर्त क्या है? फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, चाहिए कि वो मेरी बातें कबूल करें, मेरी इताअत करें, मेरी फरमाबरदारी करें,
जो मैंने दीन अपने पैगंबरों के जरिए इन तक पहुंचाया है, उस दीन को अपनाए, पूरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारे। वल्युमिनू भी, नंबर दो, मुझ पर ईमान लें, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि मंजिल मकसूद तक पहुंचे। बल फादर दीगर, जब ये दो काम करेंगे, एक तो मेरी फरमाबरदारी करेंगे, दूसरा मुझ पर ईमान लेंगे, इनकी दुआएं कबूल। ये इशारा है इस बात की तरफ कि इस महीने की रातें हो या दिन हो, तो हम कसरत से अपने रब से दुआएं करें। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम की हदीस जामे तिर्मिज़ी की, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन लम यसअलिल्लाह यक़दर अलैही, जो अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, जो अल्लाह ताला से मांगता नहीं है, अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। अल्लाह पर दुनिया के हाकिम मांगे तो वो नाराज होते हैं, रहमान और रहीम अल्लाह पर उसके रहमत का अंदाजा लगाए, वो कहते हैं मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं नाराज होता। मन लम यसअलिल्लाह यक़दर अलैही, ये कोरोना वायरस की ये वबा, दो साल इसको होने को है, 2019 को इसकी इब्तदा हुई, अभी 2021 चल रहा है। ये बहुत बड़ी वबा, कितनी जाने निकल चुकी, कितने मुसलमान हमारे भाई इस वबा में मुब्तला है, तो इसका इलाज भी बतला दिया इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दुआउ यन्फ़ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यन्ज़िल, दुआ के अंदर ये पावर और ये कुव्वत है, और दुआ करने का ये फायदा है कि दुआ आई ही मुसीबत में भी काम आती है, आई ही वबा परेशानी तकलीफ मुसीबत बीमारी, कोई परेशानी हो, कोई वबा हो, कोई तकलीफ हो, कोई अजमाइश हो, फरमाया दुआ करोगे जब, दुआ आई हुई मुसीबत में भी तुम्हारे काम आएगी, और उस मुसीबत में भी तुम्हारे काम आएगी जो आई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में है कि वो मुसीबत आनी है। अगर दुआएं करते रहोगे, बार बार अपने रब से दुआएं करोगे, गिड़गिड़ा कर रो रो कर, अल्लाह ताला आई हुई मुसीबत को टाल देगा। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मुसीबत में गिरफ्तार हुए ना हुए, मछली के पेट में है, मुसीबत आ पड़ी, पानी के अंधेरे में है, रात के अंधेरे में, मछली के पेट का अंधेरा, तीन अंधेरे में, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फनादा फिल ज़ुलुमात, इन तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमसे दुआ की, और दुआ के अल्फाज कौन से इस्तेमाल फरमाए, किन अल्फाज से अपने रब से दुआ फरमाई, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मुझे, अल्लाह तू पाक है जुल्म करने से, मैं नादान हूं, मुझसे खता हो गई है, मुझे माफ कर दे, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, तेरे इलावा कोई माबूद पर हक नहीं, पहले अल्लाह ताला की तौहीद और रुहियत का वास्ता दिया, फिर अपने रब से दुआ की, अल्लाह ताला ने निजात दी। फरमाया फस्तजबना लहू वनजैनाहु मिनल गम, हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात दी, उसकी दुआ कबूल फरमाई, वनजैनाहु मिनल गम, गम तकलीफ और परेशानी में हमने उनकी दुआ कबूल फरमा कर उनको निजात दी, वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, क़यामत तक के लिए ये एक कानून बना दिया कि जो भी हमसे मुसीबत के वक्त दुआएं करेगा हम उसे निजात देते रहेंगे, उसकी दुआएं कबूल करते रहेंगे। आप कहने का ये तो पैगंबर का मसला है,
पैगंबर तो मुस्तजाबुद्दावत होते थे, ठीक है, लेकिन अगर मैं और आप भी अल्लाह ना करे किसी मुसीबत में फंस जाए, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआ भी कभी रद्द नहीं करेगा। शर्त क्या है? शर्त यही है कि अल्लाह ताला को उसकी तौहीद का वास्ता दे। अल्लाह तो अकेला माबूद ए बरहक है, तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही हाजत रवा है, तू ही माबूद ए बरहक है। तेरे अलावा जिनकी इबादत दुनिया में की जा रही है या की जाती रहेगी या की गई, वो सब के सब झूठे हैं, उनको माबूद बना लिया गया है, सच्चा माबूद तू ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम की जानिब तिर्मिज़ी की हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, किसी बीमारी में, किसी परेशानी में, किसी अज़ाब में फंस जाए और वो इन्हीं अल्फाज से दुआ करे, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला कभी उसकी दुआ रद्द नहीं करता। शर्त क्या है? अकीदा हमारी दुआ के मुताबिक हो, तब जाके काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। हमारे अंदर तौहीद की गैरत हो, शिर्क की नफरत हो। फरमाया, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ये जो कलिमात हैं, इन कलिमात के जरिए अपने रब से दुआ करेगा, अल्लाह ताला कभी उसकी दुआ रद्द नहीं करेगा। लेकिन हमने क्या किया? परेशानी आई, कोई आफत आई कि बच्चा क्यों हो गया, कि बड़ा क्यों हो गया, हमने क्या किया? चलो भाई ऐत करीमा का विर्द करो, इतनी लाख बार पढ़ो, इतनी हजार बार पढ़ो, ये कहां लिखा भाई? तो बिदत है। एक तो हम मुसीबत में गिरफ्तार हैं और मुसीबत का हल बिदत के जरिए तलाश कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने यही तालीम दी कि जब कोई मुसीबत आए ऐत करीमा का विर्द कर लेना, नहीं बल्कि ये दुआ है, इस दुआ को पढ़ना है और इस दुआ के मुताबिक अपना अकीदा बनाना है, और इस दुआ में ये पैगाम दिया गया कि अपने पहले अकीदा सही करो, फिर देखो कैसे अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबत दूर करता है। ये मतलब नहीं है कि इतनी बार ही ऐसे करीब का वित कर लो काम हो जाएगा, नहीं, ये तो बिदत है जो हमारे मासले में आ चुकी। इससे इज्तनाब कीजिए, इससे मुसीबत में और हम गिरफ्तार होते चले जाएंगे। मुसीबत अगर टल भी गई तो उससे बड़े मुसीबत में इस तरह गिरेंगे तो हमारा अकीदा सही नहीं रहेगा, क्योंकि बिदत का हमने इंतकाम किया। और बिदत एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा घुड़ा है, बिदत की मौजूदगी ने कोई नेकी काबिल कबूल नहीं। अगर मुसीबत आए तो करीमा का विरोध करने की वजह से टल भी गई आर्मी मुसीबत, लेकिन शैतान ने गैर महसूस तरीके से उससे बड़ी मुसीबत ने हमें डाल दिया, हमसे बिदत का इजाद करवा दिया। ये तो उससे भी बड़ी मुसीबत है जो नेकियों को बर्बाद कर सकती है। अल्लाह अकबर। तो मेरे मोहतरम अजीज साथियों, ये अय्याम बड़े कीमती अय्याम है, इन अय्याम में अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला से कसरत से मांगिए। खास तौर पर रात के आखिरी हिस्से में इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम की सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यंजिलु रब्बुना कुल्ल लैलतिन इला समाइद दुनिया हीन यबका सुलुसुल लैलिल आखर। जब रात का आखिरी हिस्सा रह जाता है, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और अल्लाह ताला फरमाता है, मैयत उनी फास्तजीब लहू, कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूँ। यह कबूलियत का वक्त है। इस तरह बारिश के टाइम दुआ कबूल होती है, अजान और इकामत के दरमियान का जो वक्त है यह कबूलियत का वक्त है। इस वक्त अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इफ्तारी के टाइम अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, रोजे की हालत में अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। ये दुआ के वो औकात हैं जिन औकात में दुआएं रद्द नहीं होती, कबूल होती हैं। और दुआ करने वाले को चाहिए कि दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ करे, हम तो सना बयान करें, इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक पर दरूद पढ़े, उसके बाद फिर दुआ करे, फिर उसकी दुआ कबूल करे और बावजूद होकर दुआ करे, क़िबला रुख होकर दुआ करे। ये दुआ के सारे आदाब हैं और दिल के यकीन के साथ अपने रब से दुआ करे।
गफलत के साथ दुआ ना करे। अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, ध्यान किधर है, दूसरी तरफ है। दुआ के जो अल्फाज है, जो अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, उन अल्फाज की तरफ तवज्जो नहीं है। तवज्जो दुनियावी कामों की तरफ है, फिर भी दुआ रद्द हो सकती है। तवज्जो से दुआ मांगे और दिल की गहराई से आज के सारे के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और इसके साथ साथ दुआ में जल्दी न करे। इमाम ने फरमाया, तुम में से जो बंदा दुआ में जल्दी जब तक नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाते रहते हैं। फरमाया जल्दी क्या है? जल्दी यह है कि एक बंदा कहता है मैंने दुआ की, मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई। फरमाया नहीं नहीं, हर दुआ कबूल होती है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि बंदा मुशरिक ना हो, बिदअती ना हो, बंदा मुर्तकिबे कबीरा ना हो, बड़े गुनाह का इर्तिकाब करने वाला ना हो, और उसके साथ साथ पता रहने की दुआ करे, सिला रहने की दुआ करे। और इसके साथ साथ आज हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआएं बहुत ज्यादा कबूल हो। जो भी हम दुआएं करें वो हमारी दुआएं कबूल होती रहे। तो उसका नुस्खा एक नबी अलैहिस्सलाम ने यह बतलाया कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अपने मुसलमान भाई के हक में कोई दुआ करता है, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देते हैं। वो फरिश्ता उसके हक में कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, जो कुछ तुमने अपने मुसलमान भाई के हक में मांगा है, अल्लाह ताला वो भी तुम्हें अता करे, वो तुम्हें भी अता करे। अगर हम चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हो, तो अपने लिए दुआएं करने के साथ साथ अपने मुसलमान भाइयों के हक में दुआएं करें। एक और चीज जिसे हमें बकिया याम में करनी है, इख्तियार करनी है, वो है कसरत से सदकों का इहतमाम करना। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम की सही बुखारी की हदीस, आप अलैहिस्सलाम का यह मामूल था कि आप तेज आंधी से बढ़कर सदकात और खैरात का इहतमाम करते, खासकर रमजान के महीने में। और उस वक्त जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते इंसानी शक्ल में, इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम का कुरान सुनते, इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम को अपना कुरान सुनाते, जितना कुरान पाक नाज़िल हो चुका होता, जब से रमजान शुरू हुआ उस वक्त से लेकर नबी अलैहिस्सलाम के जिंदगी के जितने भी बाकी रमजान थे, हर साल जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप कुरान सुनाते और उनका कुरान सुनते। और इसी दौरान जब जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान सुनाने और सुनने आते, इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम तेज आंधी से बढ़कर सदकात और खैरात के तमाम। और फिर बहुत सारे दीन के अहकाम ऐसे हैं जहां रोजों के साथ सदक़े को भी मिला दिया गया है, हम गौर नहीं करते। देखें अल्लाह ताला का फरमान उन लोगों के बारे में, वअलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदयतुन ताआमु मिस्कीन, वो बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत, वो कमजोर मर्द लाचार मर्द या औरत जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखते, या दैनी मरीज है रोजा रख ही नहीं सकते, उनके बारे में शरीयत ने क्या कहा है हम सब जानते हैं कि एक मिस्कीन को सुबह शाम का खाना खिलाना है। देखिए रोजे के साथ मिला दिया, रोजा नहीं रख सकते, तो ये काम करो, ये इंसाफ भी सभी अल्लाह है, तो फिर ऐसा करो। इसी तरह कसम का कफारा है, उसमें भी रोजे के साथ साथ इन्फाक फी सबीलिल्लाह को मिला दिया। अल्लाह ताला का फरमान, अगर कोई बंदा कसम तोड़ देता है किसी वजह से, उसने किसी बात पर कसम खाई कि मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन बाद में पता चला इस काम को करना मेरे हक में बेहतर है और इस काम को छोड़ना मेरे हक में बेहतर है, शरीयत कहती है इसने क्योंकि कसम खा रखी थी कि फलां काम नहीं करेगा, मसलन एक बंदे की किसी के साथ कोई दुश्मनी हो गई, किसी बात पर नाराजगी हो गई, अब उसने कसम खा ली, अल्लाह की कसम इससे कलाम नहीं करूंगा, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ, उसने इसलाह कर ली, उस बंदे से सुलह कर ली, दुआ सलाम कर ली, अब शरीयत इसको यह कहती है कि तुमने कसम उठाई है और कसम फिर तोड़ दी, तुम्हें कसम के तोड़ने का कफारा अदा करना होगा। वो कफारा क्या है?
पहली बात यह है कि तीन रोजे रखने होंगे, तीन रोजे रखने होंगे, और अगर तीन रोजों के रखने की ताकत नहीं है, दस मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा या उनको कपड़े पहनाने होंगे। तो यहां भी देखें कसम के कफारे में जहां रोजे को जिक्र किया, वहां इंफाक फी सबीलिल्लाह, गुरबा को मसाकीन को खाना खिलाने का भी तस्करा साथ किया। इसी तरह एक बंदा है, हज के दौरान एहराम की हालत में उसने कोई ऐसा काम कर लिया, मजबूर उसको करना पड़ा जो ममनूआत एहराम में आते हैं। मसलन उसके सामने जुए हैं, जख्म है, दस सिल हज से पहले, दस सिल हज से पहले उसको सर के बाल मुड़वाने पड़ रहे हैं। शरीयत कहती है अब तुमने क्या करना है, फिदियत मिन सियामिन औ सदकतिन औ नुसुकिन, तुमने या तो रोजा रखने हैं या फिर सदका करना है या मिस्कीन को खाना खिलाना है। यहां भी जो फिदिया देना है उसमें जहां सदका है, मिस्कीन को खाना खिलाना है, वहां पर रोजे का भी फिदिया मौजूद है। अल्लाह पर और भी बहुत सारे अहकाम हैं जहां रोजे के साथ इन्फाक फी सबीलिल्लाह को मिला दिया गया, और यहां भी अल्लाह ताला ने जहां रोजों के अहकाम का तस्करा किया, उन लोगों का तस्करा किया जो रोजे नहीं रख सकते, फरमाया कि तुम ऐसा करो मिस्कीन को खाना खिला दो अगर रोजे नहीं रख सकते। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की जामे तिर्मिज़ी की हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के ऐसे बाला खाने हैं जिनका जहरी हिस्सा बाहर वाला हिस्सा अंदर से और अंदर वाला हिस्सा बाहर से नजर आता है। अर्ज किया गया ये किन लोगों के लिए है, फरमाया लिमन अताबल कलामा, जो अपने गुफ्तगू को अच्छा बना ले, वातमत्तामा, और जो मिस्कीनों को खाना खिलाए, वह सामा वादा सियामा, मुसलसल नफरी रोज रखे, और वसल्ला बिल्लैल वन्नास नियाम, रात को जब लोग सो रहे हो ये रात को उठ उठ कर तहज्जुद का इंतजाम करे। जो बंदा ये चार काम करेगा, नंबर एक अपनी गुफ्तगू को अच्छा बना ले, नफले रोजे रखे, मिस्कीनों को खाना खिलाए और रात को तहज्जुद का इंतजाम करे, जो बंदा ये चार काम करेगा फरमाया उसके लिए जन्नत के बाला खाने। यहां भी जहां और नेकियों का तस्करा किया, रोजे का भी तस्करा किया, सदके का भी तस्करा किया, दोनों को साथ लिया। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज के दिन कौन है जिसने किसी मरीज की इबादत की हो, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए, कम मैं हूं जिसने एक मरीज की इबादत की है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन है जो किसी मुसलमान के नमाज जनाजे में शिरकत करके आया हो, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जिसने आज के दिन रोजा रखा हो, अर्ज किया मैं ही हूँ, ये सआदत भी अल्लाह तआला ने मुझे बख्शी है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जिसने आज के दिन मिस्कीन को खाना खिलाया हो, अर्ज किया मैं ही हूँ, फरमाया मस्तमान सिमरिन इल्ला तखरजल्ला, जो बंदा ये चार काम एक दिन में कर लेता है यकीनी बात है वो जन्नत में दाखिल होगा। तो ये सारी बातें अर्ज करने का मकसद ही है, जहां अल्लाह ताला ने रोजों का तस्करा फरमाया, जहां शरीयत ने रोजों का तस्करा है, वह इन्फाक फी सबीलिल्लाह का भी तस्करा है, दोनों साथ साथ हैं। तो फिर आइए जहां हम कसरत से दुआएं करने का इंतजाम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, जहां रोजे रख रहे हैं, रातों का क़याम है, तहज्जुद है, क़ियामुल लैल है, कुरान पाक की तिलावत है, वह सदक़ात और खैरात का भी इंतजाम करें, बड़े इसकी फजीलत है। आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ, इसकी फजीलत का अंदाजा इस हदीस से लगाइए, इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम की सही मुस्लिम की हदीस, आप अलैहिस्सलाम के बाद एक शख्स आया और उसने आकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में ऊँटनी पेश की, तब मेरी तरफ से आप किसी मुजाहिद फी सबीलिल्लाह को गिफ्ट दे दें, हदिया दे दें। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने वहां बैठे बैठे फरमाया लक सबर नियत नाकद यौम अल-क़ियामत, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने जैसे तुम ये ऊँटनी एक ऊँटनी लेकर आए हो, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमने 700 ऊँटनी अता फरमाए, रुपया एक खर्च करेंगे अजर कम से कम
10 नहीं 700 गुना तक मिलेगा। और फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, कुछ तो ऐसे खुश नसीब है जिनके अजर, जिनका एक रुपया 700 गुना से भी बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है अल्लाह ही बेहतर जानता है। मस्जिद का काम हमारे सामने है, ये मदरसा हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने ये सारे काम हो रहे हैं, ये दीनी काम है। आइए रमजान के ये मुकद्दस, ये मुतहर, ये पाकीज़ा महीना है, फिर पता नहीं मिले ना मिले, हम सब मिलकर इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा डालें। जो हम खर्च करेंगे ये बाकी रहेगा, और जो खाएंगे, जो पिएंगे, जो पहनेंगे वो खत्म हो जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा से कहा, आयशा कितना बकरा बाकी रखा हुआ है? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ एक रान रखी हुई है, बाकी सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च हो गया है। फरमाया ऐसा सुन लो, जो ये हम खाएंगे ये खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के रास्ते में दिया वो बाकी है, वो जमा हो गया, वो हमारे लिए अल्लाह तआला ने सरमाया बना दिया, वो जमा कर लिया। जो खर्च करेंगे वो बाकी रहेगा, जो खाएंगे पहनेंगे या दुनिया में अपने औलाद के लिए जमा करेंगे वो यही का यही रह जाएगा। तो आइए ये मुकद्दस महीना है, ये बड़ी कीमती घड़ियाँ हैं, इन घड़ियों का फ़ायदा उठाइए, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कीजिए, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।